हेलो स्विमर्स, देखिए इस वीडियो में मैं कुछ ऐसे पॉइंट्स की बात करूंगा जो आपकी स्विमिंग को और स्मूथ कर देगा, ठीक है। इस वीडियो में मतलब हम लोग स्मूथ स्विमिंग को किस तरह आप लोग परफॉर्म करो उसके बारे में बात करेंगे। देखिए इस वीडियो में मैं कुछ ड्रिल्स, कुछ एक्सरसाइज, कुछ की पॉइंट्स और कुछ प्रॉब्लम्स जो जनरली स्विमर्स को आती हैं उसके बारे में बात करेंगे, जो आपको स्मूथ स्विमिंग करने में काफ़ी हेल्प करने वाली है। तो जनरली क्या होता है, जो स्विमर्स होते हैं, जो बिगनर होते हैं, वो कुछ इन चार स्टाइल की तरह स्विमिंग करते हैं। मतलब कुछ होते हैं जो एकदम फ्लैट करते हैं, कुछ का हैंड मूवमेंट गलत होता है, कुछ की किक बहुत ड्रॉप होती है, कोई अपना हेड नीचे ही नहीं करता, तो इस तरह की स्विमिंग करते हैं। मतलब आप स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि उसमें प्रॉपर स्टाइल क्या है और गलत स्टाइल क्या है, इस तरह आप देख रहे होंगे। तो एक कमेंट भी आ रहा था कि सर एरो स्टाइल को बताइए, एरो स्टाइल क्या होता है। तो देखिए एरो स्टाइल की बात करेंगे, जो सिमिलर कैचअप ड्रिल होती है ना, उसी तरह के ही, उसी तरीके से ही वो होता है। कैचअप ड्रिल जैसा ही एरो स्विमिंग होती है। मतलब एरो स्विमिंग आप एरो से समझिए, जो काफ़ी पॉइंटेड रहती है और हवा को चीरते हुए जाती है ना एरो, तो सेम उसी तरह पानी में भी आपको उसी टेक्निक को पानी में भी अप्लाई करना है, ताकि आप पानी को भी अच्छे से चीरते हुए आगे बढ़ो। एरो स्विमिंग में क्या होता है कि आपको मोर ग्लाइड मिलता है। मतलब आप एक पुल करोगे और ग्लाइड अच्छा होगा, और जब ग्लाइड अच्छा होगा तो आप लोग पानी को कट करोगे। मतलब जैसे हैंड मूवमेंट क्या है, जैसे हैंड मूवमेंट ये दोनों आपका आगे ना हेड डाउन हुआ, तो एरो स्विमिंग में क्या होता है कि हम जब इसको पुल करते हैं तो इस हैंड को ऐसे आगे कर लेते हैं, तो कुछ इस तरह वो एक एरो शेप में बन जाता है। मतलब कुछ पॉइंटेड टाइप का बन जाता है। और जो गलत लोग करते हैं जैसे इसको हैंड को पुल किया, पुल करने के बाद इसको डाउन कर लेंगे और उनका उनका पोजीशन कुछ इस तरह हो जाता है। मतलब अनइवन पोजीशन हो जाता है या अनसर्टेन पोजीशन हो जाता है, ड्रैग ज़्यादा बन जाता है, तो वो गलत हो जाता है, तो उससे स्मूथ स्विमिंग नहीं आती है। तो आपको हमेशा क्या करना है, जब भी आप लोग पुल करो, पुल करने पे जो आपका अदर हैंड है, जो जिससे पुल नहीं कर रहे हो, वो आगे की ओर ले जाओ। मतलब उसको आगे की ओर ले जाओ और इसको पूरा स्ट्रेच पीछे तक करो, तो ये आपका काफ़ी अच्छा पोजीशन होगा स्विमिंग का। और जो दूसरा जैसे हैंड मूवमेंट का ये बात हो गई, अब किकिंग की बात करें तो किकिंग में जैसे 2 बीट किक, 6 बीट किक, 4 बीट किक, ठीक है, ये सारी किकिंग के प्रोसेस होता है। तो जो आप लोग अगर स्मूथ स्विमिंग करनी है और एनर्जी बचानी है, तो 2 बीट किक बहुत ही बेस्ट होती है। उसको आप स्क्रीन पे देख रहे होंगे मैं किस तरह कर रहा हूँ। राइट हैंड से अगर पुल कर रहे हो तो राइट हैंड की ही किक चलती है। मतलब एक किक एक पुल पे होती है। मतलब एक किक एक पुल पे, सेकंड किक सेकंड पुल पे। मतलब जैसे आपका दो हैंड है ना, तो फिर एक हैंड से पुल किया, एक किक चला, दूसरे हैंड से किया, दूसरा किक चला, तो ये 2 बीट पर किक होता है। तो इस टेक्निक से काफ़ी ज़्यादा आप एनर्जी सेव कर लोगे, और जितनी ज़्यादा एनर्जी आप सेव कर लोगे, उतने ही आप उस एनर्जी को और अच्छी यूटिलाइज करके टेक्निक को और इम्प्रूव कर पाओगे। तो जो एरो स्विमिंग होती है ना, वो आपको हेल्प करती है आपका एंड्योरेंस को बूस्ट करने में। आपका एंड्योरेंस बूस्ट हो जाएगा, आपको एनर्जी कम लगानी पड़ेगी, आप ज़्यादा देर तक स्विमिंग कर पाओगे, ज़्यादा दूर तक स्विमिंग कर पाओगे, और काफ़ी ज़्यादा कंफर्टेबल फील करोगे जब आप स्विमिंग करोगे। तो एरो स्विमिंग में आप लोग को ध्यान क्या देना है, जैसे मैंने बताया 2 बीट पर किक, इस पर आप लोग को सीखना किस तरह करते हैं वो भी मैं पानी में दिखाऊंगा, तो आप अच्छे से उसको समझ पाओगे। और क्या ध्यान देना है कि आप जब भी पुल कर रहे हो तो पुल करने पे इस वाले हैंड को पूरा आगे तक स्ट्रेच करना है, और इसको पूरा पीछे तक, मतलब पीछे, इसको पीछे तक स्ट्रेच करना है, इसको आगे तक पूरा स्ट्रेच करना है, ले जाना। और शोल्डर क्या है ना, शोल्डर जैसे आप स्ट्रेच कर रहे हो तो शोल्डर को पूरा आगे तक एक्सटेंड करना है, तो फिर हेल्प करेगा आप लोग को एरो स्विमिंग सीखने में। देखिए कोई भी स्विमिंग का कोई भी स्ट्रोक हो, वो देखने में भले इजी लगता है, जैसे मैं स्विमिंग करता हूँ तो आप लोग कहते हो सर कितनी स्मूथ स्विमिंग आप कर रहे हो, तो लेकिन उसके पीछे का आप लोग का एफर्ट भी देखना पड़ेगा। तो अगर आप एफर्ट डाल ले रहे हो, आप लोग जो मैं टेक्निक बता रहा हूँ उसको, उसमें एफर्ट डाल रहे हो, उसमें आप हार नहीं मान रहे हो, आप बार बार प्रैक्टिस कर रहे हो, तो आप 100% मुझसे भी बेटर स्विमिंग कर सकते हो आप लोग, ठीक है। अब देखिए कि इसमें की पॉइंट क्या है, कि जैसे मैंने क्या बताया कि जो जिस हैंड से आप पुल करोगे उसी हैंड की किक उस समय चलेगी जो 2 बीट पर किक होता है। तो इसमें क्या होता है ना, हैंड और लेग का सिंक्रोनाइजेशन बहुत इंपॉर्टेंट रखता है, और उसको आप लोग ऐसा नहीं है कि आप जल्दी जल्दी करके सीखोगे, उसको आप लोग जैसे शैलो साइड में ही आके उसको आप लोग को प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। एक बार में नहीं होगा, दो बार में नहीं होगा, तीन बार में नहीं होगा, 10 बार में नहीं होगा, लेकिन आप जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे आप उसके क्लोज पहुँचते जाओगे, ठीक है। मतलब आपका टारगेट यहाँ है, एक बार आपने किया नहीं हुआ, दो बार किया नहीं हुआ, तीन बार किया नहीं हुआ, लेकिन धीरे 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 करके आप पहुँच जाओगे वहाँ पर, और जिस दिन आप वहाँ पहुँच जाओगे या उसके करीब पहुँचोगे, उस दिन आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट हो जाएगा और आप अच्छे से उसको परफॉर्म कर पाओगे। तो हैंड और लेग का सिंक्रोनाइजेशन भी आप लोग को इसी तरह सीखना है। और दूसरी चीज़ ये है कि आपके माइंड से सब कनेक्टेड है, आपका जो न्यूरॉन्स होते हैं वो आपके मसल से कनेक्टेड होते हैं ना, तो आप अगर अपने माइंड को स्ट्रांग रखोगे, अपने माइंड में ही वो सारे चीज़ों को बार बार इमेजिन करोगे कि मैं इस तरह स्विमिंग करता हूँ, मैं इस तरह स्विमिंग कर पाऊँगा, या फिर आप इस तरह इमेजिन करो कि आप एकदम परफेक्ट स्विमिंग कर रहे हो,
तो उसको जितनी बार आप माइंड में रीड करोगे ना, तो वो माइंड से आपका न्यूरॉन आपके मसल को सिग्नल भेजता है, तो धीरे धीरे वो आपके स्ट्रोक में भी दिखने लगेगा। जिस तरह आप सोचोगे उसी तरह आपके स्ट्रोक में भी निखर। और एरो स्विमिंग में एक और बात को ध्यान में रखना है, वो ये है कि आपकी जो किक होगी, जैसे आपकी आपकी बॉडी इस तरह नहीं रहेगी, मतलब जैसे वाटर लेवल ये है, तो आपकी बॉडी नीचे की ओर सिंक नहीं रहेगी बल्कि वाटर सरफेस के पैरेलल में रहेगी। जितना ज़्यादा पैरेलल होगी बॉडी, उतना ज़्यादा आपको रेजिस्टेंस कम फेस करना पड़ेगा, और जितना कम रेजिस्टेंस फेस करना पड़ेगा उतनी ईजिली आप पानी को कट कर पाओगे, क्योंकि एयर जो होती है, एयर से 800 टाइम्स डेंस होती है, पानी जो होता है 800 टाइम डेंस होता है, तो 800 टाइम डेंस है, तो मतलब जाहिर सी बात है आपको एफर्ट डालना पड़ेगा, आप लोग को ऐसा अप्रोच लाना पड़ेगा कि जो आपका ये 800 टाइम डेंस है उसको आप इजीली कट करके निकल पाओगे क्यों। तो फिर आप लोग की छोटी छोटी टेक्निक जो मैं बता रहा हूँ कि सिंक नहीं होना है, हॉरिजॉन्टल रखना है किक को, ये सब हेल्प करने वाली है। और जैसे बहुत लोग ब्रीथ लेते हैं, ब्रीथ ऐसे सर उठा के लेते हैं या साइड में, मतलब मान लीजिए साइड में भी ऐसे पूरा उठा लेते हैं अपने शोल्डर को, तो फिर क्या होता है ना कि अगर मैं साइंस की बात करूँ तो जैसे आपका आपके बॉडी हर बॉडी में हर स्ट्रक्चर में सेंटर ऑफ मास होता है, मतलब एक जगह पे सारा मास कंसंट्रेटेड रहता है, ऐसा इमेजिन किया जाता है। तो क्या होता है ना कि जब आप अपने शोल्डर को पानी के ऊपर उठाओगे तो आपका सेंटर ऑफ मास नीचे चला जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो जब वाटर के नीचे चला जाता है सेंटर ऑफ मास, तो उसको बैलेंस करने के लिए बॉडी क्या होती है, सिंक हो जाती है नीचे। तो ये एक्चुअल रीज़न होता है अगर साइंस की बात करूँ, हालांकि आप लोग को इतना टेक्निकल नहीं जाना है, लेकिन बस आपको इतना ध्यान देना है कि आप जितना ज़्यादा हॉरिजॉन्टल रह के ब्रीथ लोगे और जितनी क्विक ब्रीथ लोगे, मतलब आप अगर ज़्यादा लेट नहीं कर रहे हो ब्रीथ लेने में, तो जाहिर सी बात है कि आप अपनी बॉडी को ज़्यादा देर तक ऊपर नहीं रखोगे, वापस से पैरेलल में ले आओगे, तो फिर उतना कम आप लोग को ये बॉडी सिंक वाली प्रॉब्लम फेस करनी पड़ेगी। तो हॉरिजॉन्टल प्लस क्विक ब्रीथ, और हमेशा जब भी आप लोग ब्रीथ लो ना, जैसे आप लोगों ने इस तरह हैंड को स्ट्रेच किया और जब आप इसको पुल कर रहे हो, उसी समय अपने कान को अपने शोल्डर पे ऐसे रख दो और रख के ऐसे रोटेट करके ब्रीथ ले लो, और ब्रीथ करके तुरंत हेड को नीचे कर लो, तो फिर ये टेक्निक होती है। और सबसे इम्पॉर्टेंट एरो स्विमिंग के लिए कि जैसे आप पुल कर रहे हो, जैसे आप स्विमिंग कर रहे हो, तो इस हैंड को तब तक नीचे नहीं ड्रॉप करना है ना ऊपर उठाना है, बस इसको अपने अपने सामने रखना है जब तक ये वाला हैंड वापस से आगे ना आ जाए। जब ये आगे आ जाएगा तब इसको पुल करना, ठीक है। इस चीज़ को आप लोग को पानी के बाहर ही काफ़ी बार ट्राई करना है। और जब भी आप पुल कर रहे हो तो पुल करने पे आपका एल्बो ऊपर रहेगा, हाथ नीचे रहेगा, ठीक। एल्बो ऊपर हाथ नीचे, देखा है एल्बो ऊपर ही है, अभी भी एल्बो ऊपर है, एल्बो ऊपर ही है, और हैंड जब तक इंटर नहीं हुआ तब तक है, मतलब एल्बो आपका हमेशा ऊपर रहेगा पूरे प्रोसेस में। आप देख रहे हैं ना मेरा एल्बो पूरे प्रोसेस में ऊपर ही है, तो ये आप लोग को ध्यान देना। बहुत लोग का एल्बो ऐसे आ जाता है, ऐसे ऐसे डिस्को डांस कर लेते हैं, तो वो गलत होता है। ब्रीथ बहुत लोग लेते हैं ना, जैसे ब्रीथ लेते हैं तो तुरंत उनका हैंड ऐसे ड्रॉप हो जाता है, मतलब जैसे ब्रीथ लेने के लिए यहाँ तक सही किए, लेकिन जैसे ब्रीथ लेते हैं ये हैंड जैसे पानी के बाहर आने वाला होता है, तुरंत ये ड्रॉप हो जाता है, तो कुछ उनका ऐसे लहराने लगती है बॉडी, फिर ना वो नागिन डांस टाइप का होने लगता है। तो वो उसी से बचाया जा सकता है कि आप इसको ड्रॉप ना होने दो, अपने कान से इसको सटाए रहो, तो फिर इससे थोड़ा सा हेल्प करेगा कि ड्रॉप नहीं होगा। और इन सब पे आप लोग एक चीज़ को हमेशा मिस करते हो, 99% लोग मिस करते हैं, वो है बॉडी रोटेशन। बॉडी को हमेशा रोटेट करके ही स्विमिंग की जाती है। आप फ्री स्टाइल भी करते हो ना, तो देख रहे हैं ये मूवमेंट होता है, ये मूवमेंट होता है, बैक स्ट्रोक भी करते हैं तो ये मूवमेंट होता है, ठीक है। बस बटरफ्लाई और ब्रेस्ट स्ट्रोक में नहीं होता, बटरफ्लाई ब्रेस्ट स्ट्रोक में आपका जो शोल्डर और चेस्ट है वो आगे और पीछे होता है। तो फिर बॉडी जितना आप रोटेट करोगे, ठीक है, मान लो ये बॉडी है, आप जितना रोटेट करोगे वो पानी को ऐसे कट करते हुए चला जाए, कट करने में आप लोग को हेल्प करेगा। बात करते हैं क्या क्या प्रॉब्लम्स फेस करनी पड़ती है, सबको फेस करनी पड़ती है, मुझे भी फेस करनी पड़ी थी, आप लोग अगर ट्राई कर रहे हो तो आप लोग भी फेस करनी पड़ेगी। कोई इंटरनेशनल ओलंपिक गोल्ड मेडलिस्ट भी है तो उसको भी उसने अपने इनिशियल स्टेज में वो सब फेस किया है। तो पहला है कि शुरुआत जैसे आप लोग करते हो स्विमिंग की ना, आप लोग को दिमाग में ये रहता है कि जितनी तेज किक करोगे उतनी तेज, जितना हैंड मूवमेंट करोगे उतना तेज आपकी बॉडी आगे जाएगी, ये सब आपके दिमाग में चलता रहता है, और आप लोग जल्दी करने की कोशिश करते हो और आप लोग की स्पीड नहीं बढ़ती तो आप लोग डीमोटिवेट हो जाते हो। तो हमेशा स्लो स्टार्ट करना है, आप लोगों को ईजी स्ट्रोक करना है, ज़्यादा हड़बड़ी नहीं मचानी है, धीरे धीरे अपनी स्पीड को बिल्ड करना है, ठीक है। तो फास्ट किकिंग और फास्ट हैंड मूवमेंट ही सबसे पहली प्रॉब्लम होती है। दूसरी प्रॉब्लम है कि जब भी कोई स्विमिंग करता है,
स्टार्ट करता है तो सेम वही पहली प्रॉब्लम से ही रिलेटेड है कि वो अपने हाथ को ऐसे पटकता है पानी में। आप लोग पानी को मारने से आप लोग आगे नहीं बढ़ोगे। आप पानी पे चाहे वर्ल्ड के स्ट्रॉन्गेस्ट मैन एडी हॉल ही क्यों ना हो, तो अगर वो पानी को जितनी तेज मारेंगे वो नहीं आगे बढ़ेगा। आपको पानी को पीछे ढकेलना है। पानी को पीछे ढकेलोगे, न्यूटन का थर्ड लॉ अप्लाई हो जाएगा, आप लोग आगे बढ़ जाओगे। तो हमेशा पानी पे स्प्लैश नहीं करना है, पानी को पुश करने की प्रैक्टिस करनी है। तीसरी प्रॉब्लम है कि आप लोग ग्लाइड पूरा होने नहीं देते हो बॉडी को। आप लोग अगर पुल सही कर रहे हो, पुल सही करने के बाद बॉडी को थोड़ा सा ग्लाइड होने दिया करो। आप लोग पहले ही दूसरा स्टार्ट कर देते हो पुल, तो पूरा प्रॉपर ग्लाइड बॉडी को मिल नहीं पाता है। आप लोग अच्छे से स्विमिंग फिर नहीं हो पाती, आप लोग को ज़्यादा स्ट्रोक करना पड़ जाता है सेम लेंथ को कवर करने में। फोर्थ प्रॉब्लम है कि जो बॉडी बैलेंस का प्रॉब्लम है। जब आप लोग ये टेक्निक ट्राई करोगे एरो स्विमिंग की, तो आप लोग को दिक्कत आएगी जब आप पुल करके, जैसे मैंने बताया ना, जिस हैंड से पुल करना उसी हैंड, मतलब जैसे राइट से आप पुल कर रहे हो तो राइट वाली किक चलेगी टू बिट किक वाली में, तो उसमें बैलेंसिंग बिगड़ जाती है। शुरुआत में सबके साथ होता है कि बैलेंस नहीं बना पाते हैं वो लोग। लेफ्ट से पुल करेंगे तो कभी राइट की किक चल जाएगी, ठीक है, कभी दोनों किक रुक जाएगी, ये सब होता है। कभी आप लोग हैंड मूवमेंट कर रहे हो तो दोनों किक एकदम स्टॉप हो गई है, तो वो सब प्रॉब्लम आ जाएगी, तो बॉडी बैलेंस करने में दिक्कत होगी। तो फिर लेकिन फिर भी माइंड को आप लोग उस चीज़ को माइंड में सोचो कि अच्छा इस तरह चलता है, फिर उस चीज़ को बार बार सोचोगे फिर एक दिन वो सिंक्रोनाइज हो जाएगा आपके मसल्स में। तो ये चार प्रॉब्लम मेजर होते हैं। आप इन चारों को अच्छे से समझो कि आपकी प्रॉब्लम कहाँ है, और प्रैक्टिस जिस तरह मैंने बताई पानी में, आप लोगों ने साइड में सब देखा, स्क्रीन पर सब देखा, उसी तरह आप लोगों को प्रैक्टिस करनी है। तो इन सबको कंबाइन करने पे आप एरो स्विमिंग बहुत अच्छे से सीख जाओगे। आई होप कि ये वीडियो आप लोगों को हेल्प करी होगी। अगर हेल्प करी हो तो प्लीज़ इसको लाइक ज़रूर कर देना, और जो भी आप लोग स्विमिंग फ्रेंड्स हैं उसको शेयर कर देना। आप लोग लाइक और जब शेयर करोगे तो इस वीडियो को यूट्यूब ज़्यादा लोग को रिकमेंड करेगा, तो उससे मेरी भी हेल्प हो जाएगी। तो ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, बाय।